मालदीप ने चीन के साथ जो हाथ मिलाकर गलती की है उसका अंजाम अब मालदीप की जनता ने भुगतना शुरू कर दिया है और मालदीप के हालात भी अब पाकिस्तान की तरह है होने लग गए हैं, क्योंकि अब भारत ने मसाले और वेजिटेबलों के बाद मालदीप जाने वाले नमक पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसके बाद मालदीप ने तुर्की से अनाज खरीदने का डिसीजन ले लिया है, जिसमें चावल, नमक, गेहूं, दाल आदि चीजों को इंपोर्ट करने का डील पक्का कर चुका है। लेकिन यह डिसीजन लेकर मालदीप के राष्ट्रपति कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जिससे मालदीप का हाल भी पाकिस्तान की तरह ही होने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान के हाथ में चीन ने कटोरा थमा दिया था, इस प्रकार अब मालदीप के हाथ में भी कटोरा आने वाला है। अगर देखा जाए, जब से भारत ने मालदीव जाने वाला प्याज, आलू, मसाले, चावल, नमक, अन्य वेजिटेबल को बंद किया है, तब से मालदीव के लोग थर थर की ठोकर खाते हुए इन सभी चीजों को खरीदने के लिए बाजार में फिर रहे हैं और इन सभी चीजों की मालदीव में कमी होने के कारण मार्केट में महंगाई इस कदर बढ़ रही है जिसका कुछ कहना नहीं। जो मालदीव भारत का एक पड़ोसी देश है, वह अब तुर्की से अपनी सभी वेजिटेबल चीजों को खरीदने की डील पक्का कर चुका है। इस डील से मालदीप को कोई फायदा नहीं होने वाला बल्कि बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि मालदीप से तुर्की की दूरी 500 किलोमीटर है, जबकि मालदीप भारत से लगभग 700 किलोमीटर ही है। लेकिन जो प्रोजेक्ट भारत मालदीप को भेजता था, अब उसे प्रोडक्ट में मालदीप तक जाने का समय बहुत अधिक लगने वाला है और तुर्की की दूरी मालदीप से ज्यादा होने के कारण 8 गुना ज्यादा कास्ट चुकानी पड़ेगी, जिससे मालदीप की महंगाई लगभग 8 गुना बढ़ सकती है। जैसे कि आपको अभी भी पता है कि मालदीप की महंगाई आसमान छू रही है, लोग थर थर की ठोकर खाते हुए मालदीप के मॉलों में फिर रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इसी वीडियो में समझेंगे, लेकिन जिस तरह भारत मालदीप को मुंह हथोड़ जवाब दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। असल में चीन की गोद में बैठे मोहम्मद मुइज्जू जब से चीन से लौटे हैं, तब से वह भारत के खिलाफ अलग अलग रणनीति रचने में लगे हुए हैं। लेकिन इन रणनीति से भारत को तो कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा मालदीप को लगातार बड़े बड़े झटके लगते जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जो भारत और मालदीप के बीच प्रोडक्ट का लेन देन चल रहा था, अब उसको भी मालदीप के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू तोड़ रहे हैं और अब भारत को इस इंडस्ट्री में छोड़कर मालदीप तुर्की की तरफ भाग रहा है। मालदीप के राष्ट्रपति चाहते हैं कि जो अभी तक मालदीप भारत से प्रोडक्ट ले रहा था, वह अब भारत को छोड़कर तुर्की से इन प्रोडक्टों को खरीदने मान बना चुका है। लेकिन मालदीप का राष्ट्रपति चीन की गुलामी में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपने देश की इकोनॉमी के साथ अपने गरीब लोगों की बिल्कुल परवाह भी नहीं। लेकिन इस मालदीप के नए नवेले राष्ट्रपति को कौन समझाए कि उनके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। मालदीप ने तुर्की से गेहूं, चावल, दाल आदि की डील पक्की कर दी है और इन सभी चीजों का एक्सपोर्ट तुर्की फरवरी में ही करने वाला है। लेकिन यहां मालदीप के राष्ट्रपति भूल चुके हैं कि उन्होंने पहले से ही चीन से कर्ज ले रखा है। अगर इसके बाद मालदीप चीन से कर्ज लेता है तो उसके साथ वही होने वाला है जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। लेकिन तुर्की की दूरी मालदीप से भारत की तुलना में काफी दूर है, जिससे मालदीप को एक्सपोर्ट करने में काफी खर्च उठाना पड़ सकता है। वही भारत से एक्सपोर्ट करने से मालदीप को 8 गुना फायदा होने वाला है। लेकिन मालदीप का राष्ट्रपति यह नहीं चाहता, वह सिर्फ चीन की गोद में बैठकर भारत पर तमाम रणनीति बनाकर भारत को नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन जो तुर्की मालदीप को प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाला है, उसमें भारत के ताल्लुक 8 गुना ज्यादा समय लगने वाला है। इसके बाद मालदीप के हाथ में भी पाकिस्तान वाला कटोरा आने वाला है। इसके बाद मालदीप की आर्थिक स्थिति भी इस कदर बुरी हो जाएगी, जिसके बाद मालदीप के पास सिर्फ भारत के अलावा भीख मांगने के लिए कोई भी देश नहीं रहेगा, क्योंकि मालदीप की टूरिस्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से भारत पर ही निर्भर है। अगर मालदीप के हाथों में कटोरा आया तो उसकी टूरिस्ट इंडस्ट्री भी पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि अगर मालदीप में महंगाई बढ़ी तो वहां कोई भी टूरिस्ट जाने का सोचेगा ही नहीं। और जब से भारत के लोगों ने मालदीप जाना बंद किया है, तब से वैसे भी मालदीप की टूरिस्ट इंडस्ट्री में एक बड़ा झटका लगा है। और तुर्की से एक्सपोर्ट करने से मालदीप को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुर्की से गुजरने वाले शिप इंडियन ओशियन से गुजरकर श्रीलंका और मालदीप के रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन भारत और श्रीलंका के दोस्ती के कारण तुर्की और चीन के जहाज को इन बंदरगाहों से गुजरने की परमिशन नहीं है।
अगर यह दोनों देश अपने जहाज इन बंदरगाहों पर भेज भी देते हैं तो इसे एक्स्ट्रा ड्यूटी और जीएसटी लेते हैं। इसके बाद मालदीप को और भी जल्दी चीन बर्बाद करने की कागर पर खड़ा करने वाला है। और जल्दी ही यह भी सुनने को मिल सकता है कि चीन अपने कर्ज के बाल्ड मालदीप के कुछ आयरलैंड को भी खरीद लेना चाहता है, लेकिन इससे भारत को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मालदीप भारत से फ्रूट एक्सपोर्ट नहीं करें तो इसके अलावा भारत के पास और भी कई देश है, जैसे कि रूस, जापान, नेपाल आदि देशों में भारत अपना फ्रूट का एक्सपोर्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारत इन देशों की मार्केटों में पूरा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन तभी भारत मालदीप की पिछली कई सालों से मदद करता आ रहा था। अगर भारत चाहता तो इन बाकी देशों की मार्केट में अपना पूरा सामान एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, क्योंकि मालदीप भारत का पहले से पड़ोसी अच्छा मित्र देश रहा है। लेकिन जब से यह मालदीप का नया राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू आया है, तब से इसने दो मित्र देशों के बीच एक बड़ी फूट डाल दी है। इसे तो कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि यह मालदीप की जनता को पूरी तरह भिखारी बनकर छोड़ेगा। लेकिन जिस तरह से मालदीप के राष्ट्रपति भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी प्रकार भारत अब मालदीप की कोई भी मदद नहीं करने वाला है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि मालदीप भारत के बिना नमक वाली सब्जी नहीं खा सकता, कि मालदीप भले ही समुंदरों के किनारे बसा हुआ एक आइलैंड है, लेकिन उसके पास कोई भी नमक बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, जिसके कारण मालदीप अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए भारत से ही नमक का इंपोर्ट करता है। और आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, वह खुद का नमक नहीं बना सकता तो वह भारत जैसे मजबूत देश को कैसे नीचा दिखा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो देश अपनी सब्जी में स्वाद लाने के लिए 80% नमक भारत से ही इंपोर्ट करता है, तो वह भारत को छोड़कर अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ा पाएगा। आप देख सकते हैं कि भारत का एक राज्य समुद्र के किनारे होते ही एक बड़ा नमक का निर्यात करता है, तो भाई मालदीप समुद्र के बीच में होते भी कोई भी नमक का निर्माण नहीं करता। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत नमक प्रोड्यूस करने में तीसरे नंबर पर आता है, और भारत में सस्ते दामों में नमक बनने के कारण मालदीप को बहुत बड़ा फायदा हो रहा था, क्योंकि भारत मालदीप को भी बहुत सस्ते दामों पर नमक का एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अब तो मालदीप के राष्ट्रपति पर ही पूरे निर्णय टीके हुए हैं। वह आगे चलकर क्या करता है, वह तो उसी को ही पता है। लेकिन आपको यह वीडियो कहां तक ठीक लगी, इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।